हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग सेशन 27 का डू इट योर सेल्फ बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे। यहाँ पे अब बार बार ऑन ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, पिन टू टास्क बार कर लेंगे। यहाँ से पिन टास्क बार में पिन हो गया, यहाँ से क्लिक करेंगे। अब परेशान नहीं होगी बार बार ऑन करने में। थोड़ी सी समय लगेगी, तब तक वेट करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है ध्यान देते हैं। सेट द पेज साइज एज लेटर एंड मार्जिन मॉडरेट यूजिंग पेज लेआउट टैब। सेव इट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम इनविटेशन लेटर। क्या करना है, इसको पेज लेआउट टैब से जा करके साइज लेटर करना है और मार्जिन मॉडरेट करना है और फाइल टैब में जा करके इसे क्या करना है, इनविटेशन लेटर के नाम से सेव करना है। तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इनविटेशन लेटर को आप सिलेक्ट करके या कॉपी पेस्ट या आप टाइप भी कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यहाँ से सबमिट करते हैं। ये कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अप्लाई द पेज कलर ग्रे 25% बैकग्राउंड टू डार्क कलर 10% टू द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डिजाइन टैब। सबसे पहले डिजाइन टैब में आएंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड ग्रुप। तो बैकग्राउंड ग्रुप यहाँ है, पेज कलर, इसमें पेज कलर पे क्लिक करेंगे और कलर में क्या बोल रहा है, ग्रे 25%। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या है आपका 50% वाले हैं, यहाँ से 25% में आ जाइए, ठीक है। 10 डार्कर बोल रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, क्रिएट अ ब्लैंक वर्क डॉक्यूमेंट्स, सॉरी क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से फिर से ऑन करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे और ऐड अ बुलेट इन हेडर ऑफ फैक्ट। तो सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे और हेडर पे आएंगे और इसमें हम ढूंढने का प्रयास करेंगे फैक्ट। स्क्रॉल को डाउन करेंगे, देखेंगे आपका यहाँ पे है फैक्ट ऑलरेडी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आगे क्या बोल रहे, स्टाइल एंड आल्सो द बुलेट इन फुटर। अब फुटर में अप्लाई करना है, क्या फुटर में अप्लाई करना है, ग्रीड। और इसमें क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ग्रीड सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर वही है, केवल वर्ड डॉक्यूमेंट से ही हैं। ऐड और रिमूव, ऐड और ऐड भी करना और रिमूव भी करना है, क्या द डेवलपर टैब। डेवलपर टैब को ऐड करना है, रिमूव भी करना है, कहाँ से, तो फाइल टैब से। तो फाइल टैब पे आएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे, उसके बाद में कस्टमाइज रिबॉन पे आएंगे और क्या करना है, डेवलपर को ऐड करना है, ऐड कर दिए और फिर इसको रिमूव करना है। तो जिस प्रकार से पहले मैंने प्रक्रिया किया था वैसे ही ऑप्शंस पे आएंगे और कस्टमाइज रिबॉन पे आ करके
डेवलपर को अनचेक करेंगे और ओके करेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे, इंसर्ट अ टेबल, इंसर्ट में आएंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्या करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो कॉलम की संख्या कितनी है, 3, और रो की संख्या कितनी है, 2 ऑलरेडी है। ओके करेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन है पर घबराना नहीं है। इंसर्ट टेबल एंड अप्लाई बॉर्डर स्टाइल फ्रॉम इट, फॉलो द स्टेप गिवन, विल यू क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे, क्या करना है, इसमें भी टेबल को इंसर्ट करना है, 3 रो और 4 कॉलम। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, इंसर्ट टेबल और कॉलम की संख्या कितनी है, 4, और रो की संख्या 3। यहाँ से ओके करेंगे और क्या बोल रहा है, टेबल ऑप्शन नाउ अप्लाई सुटेबल बॉर्डर स्टाइल। अब इसमें क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल सुटेबल जो है ना उसको स्टाइल इसमें इफेक्ट अप्लाई करना है। तो बॉर्डर्स में आएंगे और बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे आएंगे और इसमें अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, ये स्टाइल है इसमें दूसरा हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओके करेंगे और सबमिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सेम है पर उसमें उसकी तुलना में कुछ इसमें अलग है। इंसर्ट अ टेबल एंड अप्लाई बॉर्डर टू इट, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो फॉर इट, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर दिया है, इसमें बोल रहा है 5 रो और 3 कॉलम्स। इंसर्ट में आएंगे, टेबल पे आएंगे, इंसर्ट कॉलम पे, और इसमें बोल रहा है 5 रोज और 3 कॉलम, कॉलम की संख्या 3 और रो की संख्या 5। ओके करेंगे और इसमें क्या करना है, इसमें से शेडिंग लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे बॉर्डर में आएंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग पे आएंगे और इसमें शेडिंग ग्रुप में आ करके क्या करेंगे, इसमें नॉन कलर के जगह पे कोई एक कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, सबमिट करेंगे। इस प्रकार से मेरा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले तो एक हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन कर लेते हैं और इसमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट टैब में आएंगे और इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में आकर के इसे ड्रैग करेंगे और इसमें बोल रहा है इंसर्ट टेक्स्ट डेविड फुटबॉल सेंट्रल। ठीक है, इसे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे या आप इसे टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए, अब इसमें क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। इसमें क्या बोल रहा है, इन इट एंड रिमूव इट आउटलाइन। इसका बोल रहा है ना आउटलाइन क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ, फॉर्मेट में, अब इसके बाद में क्या आएंगे, सेव आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ऑन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से वही कह रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे और टाइप द टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से शुरू करना है, टेक्स्ट को लिखना है यहाँ से इनवर्टेड कॉमा से शुरू होकर के यहाँ यूजर तक, कंट्रोल से भी इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। एंड अप्लाई 1.5 स्पेसिंग बिटवीन द लाइन यूजिंग होम लाइन एंड पैराग्राफ। सबसे पहले तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे है आपका लाइन स्पेसिंग, इसमें क्या बोल रहा है आपका, इसमें दिया हुआ 1.5, इसे सेलेक्ट करेंगे और बाहर ऑन सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितना ही बड़ा है पर इजी है।
अगर ध्यान से बनाएंगे तो खास दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे है लास्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑन करेंगे और इसमें भी क्वेश्चन है, टाइप द टेक्स्ट। यहाँ से इनवर्टेड कॉमा से शुरू हो रहा है और सॉफ्टवेयर तक, यहाँ तक क्या करेंगे, इसे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे या इसे टाइप कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एंड रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पे आएंगे, प्रूफिंग ग्रुप, यहाँ से प्रूफिंग ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करके और इसे इस को चेक कर लेंगे। ओके करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए इस प्रकार से समय भी कम लगा और 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ। और यहाँ से इंड एग्जाम इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक ये ओके का विंडो हाईलाइट ना हो जाए। यहाँ से ओके करेंगे,